खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से है, जहां स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक विधान परिषद प्रत्याशी करुणाकांत मौर्या के हक में वोट सहेजने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सिद्धार्थ नगर जिले के बांसी तहसील के मिश्रा मैरिज हॉल में बैठक कर समाजवादी हक में वोट करने की अपील की। इस दौरान जिलाध्यक्ष लालजी यादव, युजन सभा जिलाध्यक्ष अंबिकेश श्रीवास्तव, विधायक सैयदा खातून, मोनू दुबे, पूर्व विधायक विजय पासवान, नपा अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी, पूर्व नपा अध्यक्ष चमन आरा रायनी सहित सैकड़ों सपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपने अपने ब्लॉक पर लग जाइए और मतदान के दिन सभी को इकट्ठा करके वोट दिलाएं और अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाकर विधान परिषद में भेजें और अखिलेश यादव को मजबूत बनाएं। देखिए, ये चुनाव जैसा कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्नातक एमएलसी का चुनाव है और इस प्रदेश में, इस देश में जो हमारे स्नातक हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और आज के समय में जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल में वित्तहीन टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, आज दैनिक मजदूरी अगर 400 रुपये होती है तो जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में एमए बीएड डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के अध्यापक बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अध्यापन का कार्य करते हैं, उनकी सैलरी 3 से लेकर के 7 हज़ार तक है, जो जीवन चलाने के लिए अपर्याप्त है। तो निश्चित तौर पे जो ये सरकार के लोग चुन करके जा रहे हैं, तो जिस क्षेत्र से चुन के जाते हैं, स्नातकों के स्नातक सीट से जाते हैं, स्नातकों की समस्या को सदन में उठाने के बजाय मुँह पर ताला लगा लेते हैं। देखिए, आज तो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी श्री करुणाकांत मौर्य जी के चुनावी तैयारी का जायजा लेने के लिए मैं इधर आया था। कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। जिस तरीके से आज भाजपा शासन में पूरा प्रदेश देश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।